शालीनगर में हॉस्पिटल का उद्घाटन और समारोह संगीता मेमोरियल हॉस्पिटल का उद्घाटन किया जा रहा है। सुनते हैं वसुंधरा राजे। जिन्होंने इनको आगे ले जाने का काम किया, जिन्होंने इनका मार्गदर्शन किया, मैं दोनों को धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही सुंदर और आधुनिक अस्पताल अब बना है। इस अस्पताल के अंदर यंत्र मंत्र को जोड़ते हुए स्वास्थ्य को ठीक करने का काम करेंगे। यहां मैं गुरुजी, मेरे गुरुजी की बात करना चाहूंगी। मेरे गुरु अब है नहीं, परंतु दतिया के आश्रम में जब मैं जाया करती थी तो बचपन में छोटी थी, मुझे याद है कि गुरु महाराज जब बैठे थे, चर्चा चल रही थी कि एक व्यक्ति जिनका नाम मैं यहां नहीं लूंगी, उनको कैंसर था और वो इधर उधर भटकने के बाद कहीं भी इलाज अपना नहीं कर पाए थे, तो गुरु महाराज के पास आए थे। उनने उनके यहाँ आश्रम में शरण ली, उन्हें उनके चरण पकड़े और उनको कहा कि मेरी तो मेरे हालत इतनी खराब है, मेरा मरने क्या होगा। अब वो बहुत पहले की बात है, ब्लड या कुछ का कैंसर था, तो गुरु महाराज ने मंत्र दिया और उनको ये कहा कि मतलब यहाँ से छूटना नहीं है, तुम्हें यहीं रहके और इसी मंत्र का उच्चारण और सही तरीके का उच्चारण करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने हमको ये बताया कि जो मंत्र का उच्चारण आप करते हैं वो चला जाता है। और जैसे इनने अभी समझाया, वो पूरी सृष्टि के, जैसे ओम कहते हो तो सृष्टि माने उसमें जाके रह जाता है, पर इसी तरीके से ये मंत्र को आप अपने शरीर के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हो। और उन्होंने उसको करवाया, उसको लगे 6 महीने 7 महीने, पर उसने लगातार चल के किया और मुझे इतना मालूम है कि वो कई सालों तक उसके बाद जिंदा रहे। और आश्रम में ये कहा जाता था कि उनको पूरी तरह से गुरु महाराज ने ठीक करने का काम उस मंत्र के द्वारा किया, इतने पहले की बात है। और अगर आप इतिहास में चले जाओ, जैसे गुरुजी ने अपने को बताया, तो ये चीज तो बहुत पहले प्रैक्टिस किया जा रहा था, हमको उसको फिर से रास्ता ढूंढ के उसको फिर से